और अपना पर्स, गॉगल्स, स्पेक्स वगैरह, अपनी गाड़ी की चाबी, मास्क, ये सब जो है रखकर, और इस ढक्कन को बंद करके और पावर ऑन कर दें। हे, वेलकम बैक इन क्विक फिक्स टेक। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट रविंदर सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक यूवी सैनिटाइज़र बॉक्स बनाना सिखाने वाला हूं, जो कि इतना आसान होगा कि कोई छोटा बच्चा भी अगर इस वीडियो को पूरा देख लेगा तो वो भी अपने घर में आसानी से बना सकेगा। और दोस्तों, इस बॉक्स को बनाने में मैं जो है बिल्कुल बेसिक चीज़ें यूज़ करूँगा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कि मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो दोस्तों, ये बॉक्स जो है इस बहुत ही काम का होने वाला है। इससे हम अपने घर के सब्जियां हो गई, वेजिटेबल और फ्रूट्स, या फिर कोई भी आइटम जिन को हमें लगता है कि इनको डिसइंफेक्ट करना ज़रूरी है, जैसे पर्स हो गया, आपके स्पेक्ट्स हो गए, या फिर पेन, पेंसिल, मोबाइल फ़ोन और कुछ भी हो सकता है दोस्तों, छोटा मोटा कोई भी आइटम, तो उनको हम इस बॉक्स से डिसैनिटाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए मैं आपको बता देता हूँ हमें इस बॉक्स को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि हम यूवी सैनिटाइज़र बॉक्स बनाने वाले हैं, तो हमें उसके लिए सबसे मेन चीज़ ये यूवी ट्यूब चाहिए होगी। ये यूवी ट्यूब दोस्तों आरओ में लगती है, जो आरओ में पानी फिल्टर होके आता है वो इस ट्यूब के एक चैम्बर में से होकर गुजरता है, और ये ट्यूब जब जलती है तो फिर जो भी पानी में बैक्टीरिया, जर्म्स होते हैं वो सब किल हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये वही ट्यूब है, और ये दोस्तों आरओ जहाँ मिलते हैं वहीं पर आपको मिल जाएगी बड़ी आसानी से। 100 से 125 रुपए की ये ट्यूब आती है, और 100 रुपए का ये चॉक होता है, तो ये भी लगाना ज़रूरी होता है। दोस्तों, मैं इसके बारे में बता दूँ, ये चॉक इस ट्यूब को ही चलाता है। आप जब लेने जाएंगे तो इसको जो है यूवी ट्यूब और यूवी चॉक बोलेंगे, या यूवी ट्यूब का चॉक। और ये भी आपको आरओ के स्पेयर पार्ट्स जहाँ से मिलते हैं या आरओ जो बेचते हैं उनके पास मिल जाएगा बड़ी आसानी से। और अगर आपके वहाँ पर नहीं भी मिलता है ये सब, तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ऑनलाइन आप ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों, मेन चीज़ तो ये दो चीज़ थी, और फिर एक पेंसिल की ज़रूरत होगी, एक कैंची की, और एक इस तरह की सेलो टेप की। और दूसरा जो है मेन चीज़ जो है ये बॉक्स। दोस्तों, मैं एक जूते का बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ। आप जो है अगर इसको बड़ा बनाना चाहते हैं, काफ़ी सब्जियाँ वगैरह या कोई बड़ी चीज़ें डिसइंफेक्ट करने के लिए बनाना चाहते हैं, तो आप बड़ा बॉक्स भी ले सकते हैं। बट मैं एक बेसिक चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, तो एक बॉक्स जो जूते का होता है ये बड़ी आसानी से हर एक के पास मिल ही जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको बनाकर दिखाने वाला हूँ। और ये सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आप इस तरह से इस तरीके से आप कैसा भी बना सकते हैं, कितना भी अच्छा बना सकते हैं, तो मैं बिल्कुल बेसिक बना कर दिखाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमें ये बॉक्स लेना है दोस्तों, और बॉक्स के अंदर आप अगर चाहें तो इसको जो एल्युमिनियम फॉयल आता है जिसमें हम टिफ़िन वगैरह में रोटी पर लपेटते हैं, वो आप उसको लगा सकते हैं इस बॉक्स के अंदर, इनर साइड में, चारों तरफ ऊपर नीचे एल्युमिनियम फॉयल। उससे होगा क्या, थोड़ा रोशनी और अच्छे से फैलेगी। बाकी मैं उसको ना लगाए नहीं लगाएंगे तो वो ज़रूरी नहीं है, आप उसके बिना भी आपका ये ठीक बढ़िया काम करेगा, बट उससे क्या है थोड़ा और एडवांस हो जाएगा। बाकी ना लगाएं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल बनाएंगे हम, अभी हम वो लगाने वाले नहीं हैं। तो इस बॉक्स में करना क्या है, इसका जो ढक्कन है इस पर ये ट्यूब रखेंगे इस तरह से, और सेंटर में रखने की कोशिश करेंगे, वैसे आप कहीं भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। और इस पे यहाँ पे ही ऐसे निशान लगा लेंगे, ये पेंसिल से हमने निशान लगाया। अब यहाँ पर हमें दो सुराख बनाने हैं बस, तो सुराख आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। नीचे चलिए, ये सुराख हो गए हैं मेरे।
अब इनको मैं अंदर डाल दूंगा। और अंदर डालने के बाद इन सुराखों को जो है प्रेस कर दे और छोटा कर दे ताकि यहाँ से रोशनी ना जाए। बस दूसरी साइड भी ऐसे ही करना है। इसको भी इसमें डाल दिया और सुराख को वापस बंद कर दें। तो ये जो है इस तरह से आ जाएंगे। तो अभी यहाँ पर हमें ट्यूब लगा देनी है। इस तरह से प्रेस कर दें। ये हो गया। इस तरह से टेप लगा के सिर्फ ट्यूबलाइट को हमें रोकना है। यहाँ पर बस इतना ही करना है। अब इस चौक को जो है बस अभी ये तार जो बची है हमें इसको बिजली में लगाना है। इसको कनेक्ट करेंगे और ये ट्यूबलाइट जल जाएगी। ये ट्यूबलाइट जलने से इस बॉक्स के अंदर जो भी सामान रखा जाएगा उसका जितने भी बैक्टीरिया होंगे उस पर कोरोना वरोना जो भी होगा वो सब किल हो जाएगा। तो सिंपल है, सिर्फ देखा आपने कितना सिंपल है। इससे सिंपल पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगा आपको। आप इसके लिए प्लास्टिक का कोई बॉक्स ले सकते हैं, कोई टीन का बॉक्स ले सकते हैं या फिर इससे बड़ा बॉक्स ले सकते हैं। आप ये ट्यूबलाइट जो है एक भी लगा सकते हैं और एक से ज़्यादा भी, दो चार जितनी आप चाहें। अगर बड़ा बॉक्स है तो जितनी लगा सकते हैं। आपको चौक उतने ही लगेंगे। अगर आप दो लगाएंगे तो दो चौक लगेंगे, अगर चार लगाएंगे तो चार चौक लगेंगे। एक ट्यूबलाइट के लिए एक चौक, और उन सभी चौक्स के फिर जो तारें होंगी उनको एक में जॉइंट करके और बिजली में लगा देना है। सारी ट्यूबलाइटें जलेंगी और उसके अंदर जो भी आपने सामान रखा है वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ इसको चलाकर। तो जॉइंट मैंने कर दिया है और तार को लंबा करके प्लग लगा दिया है। ठीक है, अभी हम इसको जो है बोर्ड में लगा देता हूँ और ऑन कर देता हूँ। तो लाइट जल चुकी है, आप देख सकते हैं। इसको उठा के आपकी ट्यूबलाइट जलती मिलेगी। ये देखिए, ये यूवी लाइट है। तो दोस्तों इसमें आप जो है इस तरह से ढक्कन हटाएं और अपना पर्स, गॉगल्स, स्पेक्स वगैरह, अपनी गाड़ी की चाबी, मास्क, ये सब जो है रख कर और इस ढक्कन को बंद करके और पावर ऑन कर दें। अब जो है ये चालू हो गया है और ये जो है 15 मिनट तक इसको जिस पोजीशन पे रखा है इसको रहने दें। 15 मिनट बाद उठाकर उनको पलट के रख दें ताकि चारों तरफ से उनका जो है कीटाणु मर जाए। तो बस यही है। आप इसमें आप कुछ भी डिसइंफेक्ट कर सकते हैं जो चाहें आप। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को प्रेस बिल्कुल करना ना भूलें। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच पूरी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।